नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें कि एसवाईएल के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा ने अपना पक्ष रखते हुए पानी पर दरअसल हक जताया था। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का हवाला भी दिया था। साथ ही आपको ये भी जानकारी देने कि पंजाब ने केंद्र से इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक कोई छेड़छाड़ एसवाईएल से ना की जाए। आज अहम सुनवाइयों का दिन है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज हरियाणा सरकार के आरक्षण विधेयक पर सुनवाई होनी है। विधेयक के याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आपको बता दें कि सुनवाई होगी। नए विधेयक के तहत दिया गया है जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण। हरियाणा विधानसभा में ये विधेयक पास भी हो चुका है। दरअसल जाट आंदोलन के बाद सदन में ये नया आरक्षण विधेयक लाया गया था, जिसके खिलाफ याचिका डाली गई है कोर्ट में। आपको बता दें कि आज हरियाणा सरकार के आरक्षण विधेयक पर सुनवाई होगी। खबर रोहतक से। रोहतक में सामाजिक सौहार्द की आवाज बुलंद हुई। संत महात्माओं से लेकर खिलाड़ियों और अभिनेताओं ने मिलकर मंच से हरियाणा में भाईचारे का संदेश दिया। जाट आरक्षण आंदोलन के बाद बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए रोहतक में समरसता सद्भावना सम्मेलन करने की जरूरत पड़ी। संतों की शिक्षा, महात्माओं की वाणी, खिलाड़ियों की एकता और अभिनेताओं की कला के संगम से रोहतक की पावन धरती आपसी भाईचारे, सौहार्द और सद्भावना की शक्ति से सराबोर हो गई। मौका था समरसता सद्भावना सम्मेलन का, जिसमें आपसी एकता और सबको जोड़ने की कोशिश न केवल संत महात्माओं ने की, बल्कि खेल और कला से जुड़े तमाम लोगों ने भी हरियाणा के इतिहास को मजबूत करने और एकता के पथ पर अग्रसर होने का संदेश दिया। भारत की संस्कृति वेदों की संस्कृति है और वेद के अंदर किसी जात पात का वर्णन नहीं, वहां पर केवल एक ही बात लिखी है, मनोभाव जन या देव जन है। मनुष्य को केवल मानव बनो, मनुष्य बनो। वहीं 200 के करीब पहुंचे संत महात्माओं ने भी अपने अपने विचारों और उल्लेखों से लोगों तक प्रेम का संदेश पहुंचाया। जब एक गिरिजाओं का उद्घोष यहाँ सरस्वती के किनारों पर हुआ करता था, उस वैदिक काल से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग और आज के इस वर्तमान युग तक हरियाणा सदा से शिखर पर रहा है। बीच में एक दुर्घटना हुई है, लेकिन आज हम सब संकल्पित हैं कि हरियाणा में दोबारा ऐसी दुर्घटना हो ही नहीं सकती, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में प्रताप राणा का जो महत्व है, देश में हरियाणा का वही महत्व है। आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं आप, अपने समाज के लिए भी थोड़ा करिए, जरूरतमंद लोगों के लिए भी थोड़ा करिए, आपके मन की प्रसन्नता होगी। हरियाणा को जोड़ने का प्रयास खिलाड़ियों और कला से जुड़े लोगों ने भी किया, फिर वो चाहे पहलवान योगेश्वर दत्त या एक्टर रणदीप हुड्डा, हर एक ने समाज को एक बताकर पुरानी बातों को भूल आपसी सौहार्द बनाए रखने की बात कही। यहाँ पे तुम 35 बिरादरी के लोग, 36 के लोग, 48 के लोग, कितनी के लोग, भाई समाज एक है, एक के बगैर दूसरे का गुजारा नहीं है। इंसान समाज, इंसान समाज के बगैर सकता, समाज इंसान के बगैर नहीं रह सकता, तो सब एकजुट हैं। पिछली बार में जो है उन्हें भूलने की कोशिश करें, वो तब तक हम एक नहीं होंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अभी यहाँ पर कितने खिलाड़ी बैठे तो उनको देखिए आप, वो किसी भी जाति में नहीं है, किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के लिए खेलते हैं। और ना हमें हिंदुस्तान के कहता है बोला था कि कहाँ से आते हैं, कहीं पर चले कि हिंदुस्तान से है। वहीं शतरंज खिलाड़ी अनुराधा बेनीवाल ने जाट आंदोलन न रोक पाने के लिए न केवल सरकार पर सवाल उठाए, बल्कि सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए लोगों को पूरी ईमानदारी से न्याय मिलने की बात भी कही। नुकसान करने पर के लोग नहीं आए थे, कोई बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चाहे कितनी बुराई कर लो उसकी, वो नहीं आए थे। हम
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रोहतक। सोनीपत का पहलवान मौसम खत्री जब राष्ट्रीय खेल में जीत दर्ज कर अपने घर लौटा तो गांव में जश्न का माहौल बन गया और अलग ही अंदाज में पहलवान का स्वागत किया गया। आखिर कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। ढोल नगाड़े, गाना बजाना और ये स्वागत समारोह। तस्वीरें सोनीपत के गांव पांची जाटन की हैं, जहां किसी नेता या सेलिब्रिटी का ट्रॉली में मौसम खत्री को बैठाकर सारे गांव का दौरा किया गया तो वहीं खास तौर पर हरियाणवी रागनियों का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा लगा मेरे गांव वांड ने और मेरे सोनीपत शहर ने मेरा बहुत सम्मान सम्मान किया। मैं इससे आज बहुत खुश हूँ और आगे बहुत मेहनत करूंगा और आगे देश का नाम करूंगा। बचपन से ही कुश्ती में सबको मात देने वाले अपने बेटे मौसम खत्री की उपलब्धि देखकर परिवार को गर्व हो रहा है। वो बेटा जिसे बचपन में पैर में कस्सी लगने से गंभीर चोट लगी, उसने उफ तक नहीं की। इसका सपना भगवान ने पूरा कर दिया। मेरे पापा जी चाहते थे कि भाई एक दिन मेरे बेटा अच्छा का नाम कमाए, उनका जो सपना पूरा हो गया। अगर आज पापा होते तो वो बहुत ज्यादा खुश होते। पहलवान योगेश्वर दत्त से प्रेरणा लेने वाले मौसम खत्री अपने नाम कई खिताब कर चुके हैं। एशियाड गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और कई बार हिंद केसरी दंगल फतह किया और अब हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। छोटे से गांव के रहने वाले मौसम खत्री की कामयाबी बयां करती है कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की है तो इस पूरे मामले को लेकर आज दरअसल कोर्ट में सुनवाई होनी है। यहां आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और इसी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की है। तो आज देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट में होगा, क्या होगा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ आपको ये बता दें कि अहम ये मामला है जिस पर आज सुनवाई होनी है, जहां बार बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तरफ से यही बयान आता है कि बदले की राजनीति से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कोर्ट का अब दरवाजा खटखटाया गया है, जहां पर ये दरख्वास्त की गई है, याचिका डाली गई है कि उनके खिलाफ यानी कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द करने की अपील की गई है। इस याचिका में देखना होगा कि आज क्या कुछ फैसला होता है दिल्ली हाईकोर्ट में। लगातार सवालों के घेरे में बार बार आ रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। जिस तरीके के सवाल उन पर उठ रहे हैं आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो मामला चल रहा है, ऐसे में वो निशाने पर भी हैं विपक्ष के। और विपक्ष जहां एक तरफ ये कह रही है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, साथ ही अस्थिर होने की भी बात बार बार कही जा रही है विपक्ष की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पंकज कपाही। पंकज, यहां पर आप जानना चाहेंगे कितने बजे होनी है ये सुनवाई और साथ ही क्या कुछ लग रहा है। एक बजे के करीब ये इसमें सुनवाई होनी है और सीबीआई चाहता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जांच चल रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री से पूछताछ की जाए। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है और कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। क्योंकि जो हिमाचल हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री की बिना हिमाचल हाईकोर्ट से इजाजत लिए बिना ना तो उनके उनसे पूछताछ हो सकती है और ना ही उनसे गिरफ्तारी हो सकती है। यही वजह है कि अब दिल्ली का जो सीबीआई ने रुख अपनाया है और दिल्ली हाईकोर्ट में आज देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा का आज 22वां दिन है। विपक्ष ने रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई है, साथ ही सदन में जो है वो सीएम के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मुद्दा गूंज सकता है। इससे पहले भी सदन में कई बार इस मुद्दे पर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने चर्चा की मांग पर वॉकआउट भी किया था। तो आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की अगर बात की जाए तो आज 22वां दिन है और लगातार विपक्ष जो है वो रणनीति बना रहा है। आज भी विपक्ष ने रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई है।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, 22वां दिन आज हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का क्या कुछ एजेंडा? बिल्कुल रीना, देखिए आज का जो दिन है लग रहा है ऐसा, क्योंकि आज हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मामले की, और विपक्ष जो है यही मुद्दा जो है प्रमुखता से उठाए रखा है, जो ईडी और सीबीआई की जो जांच मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही है। तो ऐसा जो है वो संकेत मिल रहे हैं कि आज भी हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले जो ब्रेक हुआ था उसके बाद से लगातार जो सेशन चले हैं उसमें जैसे ही प्रश्नकाल शुरू होता है वैसे ही विपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री पर ये जो कार्रवाई हो रही है इस बाबत चर्चा चाहता है, जिसको खारिज कर दिया जाता है। तो आज भी वही रणनीति तो पहले से ही है, क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया था कि इस मुद्दे को किसी भी हाल में सदन में छोड़ने वाला नहीं है, सड़क तक ले जाया जाएगा ये मुद्दा। तो निश्चित रूप से इस पर जो है वो आज विपक्ष हंगामा कर सकता है और मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। हालांकि आज 2 बजे जो है वो सत्र शुरू होगा और देखना होगा कि किस रणनीति के तहत विपक्ष जो है वो सदन में दाखिल होता है। 1 बजे विपक्ष की बैठक जो है वो विधानसभा में ही होगी। जी ना जी, तो 1 बजे बैठक होनी है, 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। मोहित, लगातार चर्चा की मांग पर विपक्ष का वॉकआउट देखने को मिल रहा है, क्या माना जाए, क्या सरकार की तरफ से आज, ताकि सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से सुचारू रूप से चल सके, उसको लेकर कोई रणनीति? देखिए इस पे जो रणनीति है सरकार की, या फिर कह सकते हैं कि विधानसभा स्पीकर ने भी जो है वो कोशिश की थी कि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए पहले ही सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई उसमें। और लगातार जिस तरह से पहले से ही हम बता रहे थे कि संकेत मिल रहे हैं विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कि सत्र हंगामेदार हो, वैसा ही हो रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से राजनीति है और विपक्ष जो है वो बीजेपी, जो क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो निश्चित रूप से जो बीजेपी है वो नहीं चाहेगी कि किसी भी मोर्चे पर सरकार को जो है वो ना घेरा जा सके। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रीना चुका है विपक्ष के हाथ, और विपक्ष जो है इसके छोड़ने के मूड में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, और आज भी जो है वो ऐसा ही लग रहा है कि हंगामेदार हो सकता है आज का दिन भी सदन के अंदर। जी, लेकिन मोहित, ये तो हुई हंगामे की बात, ये तो हुई विपक्ष की चर्चा की मांग, लेकिन अगर आज हम अगर सदन के अंदर बात करें तो किन किन विषयों पर चर्चा की संभावना? देखिए आज जो है 2 बजे जो है वो प्रश्नकाल शुरू होगा रीना, उसके बाद कई जो अहम विषय हैं उस पर चर्चा होगी, यानी जो अलग अलग समस्या है जिस तरह से रोज जो उस पर चर्चा हो रही है तो वो जो है उसको आज वो कंटिन्यूटी में रहेगा। और जो है इसमें जो है जिस तरह से राजधानी शिमला की भी समस्याएं जो है वो विधायकों ने उठाई थी, और उसके अलावा अलग अलग जगहों की जो समस्या है वो उस पर जो है वो चर्चा हो रही है। यहाँ पर इस बार जो ये चर्चा है इस पर दोनों ही पक्ष, ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही पक्षों की तरफ से जो है एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, और कह सकते हैं कि जो अगर जिस तरह से रोज वॉकआउट होता है जो बीजेपी का सदन से, उसके बाद जो विधायक है वापिस आते हैं और चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो गहमा गहमी है या फिर जो डेड लॉक है वो जारी रहता है सदन में। तो आज देखना होगा कि क्या विपक्ष जो है वो कौन से विषय को जो है वो उठाता है प्रमुखता से, लेकिन क्योंकि ये मामला जो है वो काफी गंभीर नजर आ रहा है अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रहा है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर जो है आज हल्ला कर सकता है शुरू में ही। और देखना होगा कि विपक्ष जो है बैठक जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में होनी है विधानसभा में, उसमें क्या रणनीति जो है वो तय करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के। तो 1 बजे होनी है विपक्ष की बैठक और साथ ही 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ऊना में रविवार को बीजेपी पार्टी की अहम मीटिंग हुई जिसमें बीजेपी से जुड़े तमाम लोगों ने शिरकत की। इस मीटिंग में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी शिरकत की। बीजेपी पार्टी के लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने और 6 अप्रैल को बीजेपी पार्टी का स्थापना दिवस और 8 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने को लेकर भी अहम चर्चा हुई। आने वाले 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के रूप में मनाती है पूरे देश में, तो इस बार भी 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और उसके साथ साथ 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम हर विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम कर रहे पत्र सूचना कार्यालय द्वारा शिमला के ग्रैंड होटल में 28 मार्च से लगाई गई प्रदर्शनी विकास की नई उड़ान का रविवार को समापन हो गया। इस अवसर पर शिमला से बीजेपी विधायक
सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भारद्वाज ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार की अब तक की उपलब्धियां, योजनाओं को चित्रों के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजधानी में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चित्रकला प्रदर्शनी में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो चित्र उकेरे गए हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि विकास की नई उड़ान नाम से प्रदर्शनी का आगाज किया गया था। 28 मार्च से लगाई गई थी ये प्रदर्शनी ग्रैंड पोर्टल में, जिसका रविवार को समापन हो गया। और चलिए इसी के साथ आज के लिए हरियाणा हिमाचल में फिलहाल इतना ही।